यहाँ पर पंडु के पांच पुत्र उत्पन्न हुए। इन द मीन टाइम गांधारी धृतराष्ट्र के साथ में हस्तिनापुर में निवास कर रही थी। गांधारी को भी पुत्रवती होने की बहुत इच्छा थी। एक बार जब व्यासदेव वहाँ पर आए, गांधारी ने व्यासदेव की बहुत अच्छे से सेवा की। व्यासदेव इज लाइक धृतराष्ट्रस फादर, सो गांधारी उनकी पुत्रवधु के जैसी हो जाती है। सो जब गांधारी ने बहुत अच्छे से सेवा की तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए मुझसे। मैं कहा, गांधारी ने कहा, या एक्चुअली व्यासदेव ने स्वयं कहा कि आपको 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। सो गांधारी बिकम वेरी हैप्पी, व्यासदेव चले गए। तो गांधारी आगे जा करके धृतराष्ट्र से शी बिकेम प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हो। गर्भवती होने के बाद में भी बहुत समय तक, 2 वर्षों तक उन्होंने किसी बालक को जन्म ही नहीं दिया। वो जो गर्भ था गांधारी के पेट में 2 वर्षों तक रहा, और 2 वर्षों के बाद में गांधारी को अपने महल में पता चला कि युधिष्ठिर का जन्म हुआ है। सो गांधारी के युधिष्ठिर का जन्म हुआ है ये पता चलने के बाद में गांधारी वॉज सो वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी चाहते थे कि अगर उनका पुत्र इन दोनों भाई बहनों में, मतलब धृतराष्ट्र और पंडु के पुत्रों में भी अगर धृतराष्ट्र का पुत्र सबसे बड़ा होगा तो दे कैन स्टिल क्लेम द थ्रोन। अरे एक्चुअली मैं धृतराष्ट्र बड़ा हूँ लेकिन मैं अंधा था, तो मेरे बेटे को राज्य, मेरे भाई को राज्य क्या, लेकिन एक्चुअली वो मेरा होना चाहिए था। हम दोनों के बेटों में भी मेरा बेटा बड़ा है तो उसे राज्य मिलना चाहिए। लेकिन जब युधिष्ठिर के जन्म होने की बात पता चली, गांधारी वो सो वेरी बिसाइड्स हरसेल्फ, जेलसी में उन्होंने अपने दोनों मुष्टियों से अपने गर्भ पर प्रहार किया फाट करके। इसके कारण जो गर्भ बाहर आया वो एक फ्लेश का गोला जैसा था, केवल मांस का गोला था। पर गांधारी रोने लगी। गांधारी जब रोने लगी उसी समय व्यासदेव आए, कहा कि पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तो गांधारी ने कहा, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था 100 बच्चों की मां बनने का, ये देखिए मेरा एक गर्भ आया है, वो भी स्टिल है, केवल एक मांस का टुकड़ा है। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हे पुत्री, मेरे द्वारा बोले गए शब्द कभी विफल नहीं जा सकते। आप कुछ घी और 100 मिट्टी के घड़ों का इंतजाम कीजिए। जब गांधारी के कहने पर सेविकाओं ने 100 घड़े और घी लाया, तो व्यासदेव ने गांधारी से कहा कि आप इस मांस के गोले पर पानी के छींटे छिड़किए। सो पानी के छींटे छिड़कने के बाद वो मांस का गोला 100 भावों में बट गया और हर एक गोला एक थंब के इतना था, एक अंगूठे के जितना बड़ा था। तो मंत्रोच्चारण करके उन्होंने हर एक घड़े को घी से भर दिया, और घी से भरने के बाद में उसमें एक एक वो मांस का टुकड़ा डाल दिया, उसे पैक करके कहा कि 1 साल के बाद इसे खोल रहा। उसके बाद में व्यासदेव चले गए। और 1 साल के बाद में जब भीम पैदा हुए, उसी दिन दुर्योधन की पैदाइश है। सो ऑन द सेम डे भीम एंड दुर्योधन वेर बॉर्न, एंड आफ्टर सम टाइम विद इन 1 or 2 years, 1-2 साल के गैप में बाकी सारे जो 100 भाई हैं या 99 भाई हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। सो गांधारी के 100 बच्चे, पहले दुर्योधन सबसे बड़े, जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का है, और उसके अगले 2 साल में बाकी जो 99 भाई हैं दुशासन इत्यादि, इन सब का जन्म है। इस प्रकार से पांडवों की और कौरवों की उत्पत्ति की कथा आती है। एक विशेष बात ये भी हुई कि जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ, वो गधे की तरह आवाज करने लगा, घैं घैं करके। तो जब गधे की तरह आवाज करने लगा, मनुष्य की तरह नहीं रोने लगा, तो धृतराष्ट्र और गांधारी चिंतित हो गए, ये क्या हो गया? और उन्होंने ये भी देखा कि जैसे मेरा बेटा गधे की तरह चिल्ला रहा है,
वैसे ही जंगल में से बाकी गधे, लोमड़ियां और क्या फॉक्सेस, जैकल्स एंड फॉक्सेस, ये सो लोमड़ियां और आप समझ गए, ये सब भी और अपना अपना आवाज करने लगे। तो जैसे ही जंगल से वो पशु आवाज कर रहे हैं, वैसे ये भी और जोर से आवाज कर रहा है गधे के जैसे। सीइंग दिस दे वर रियली ग्रीफ स्ट्रिकन। उन्होंने तुरंत भीष्म और विदुर को बुलाया कि ये क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि दुर्योधन कली का अंश है और इसीलिए कलियुग के आने पर हम देखते हैं भागवतम में वर्णन है कि कैसे सियार और लोमड़िया, सियार सियार फॉक्सेस, सियार सियार और लोमड़िया, ये अपनी अपनी आवाज़ों में रो रहे थे, गधे रो रहे थे। तो ऐसे ही जब दुर्योधन का जन्म है तब वो रो रहा है और उनके रोने के कारण जंगल में लोमड़िया सियार और गधे भी रो रहे हैं। एंड धृतराष्ट्र एंड गांधारी बिकेम वरीड एंड दे रिक्वेस्टेड विदुरा एंड भीष्म टू कम कि ये क्या हो रहा है जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।